Hey, what's up guys, my name is Kabir and you are watching my channel Technical Vids. So guys, finally Nvidia ने अपना इमेज स्केलिंग एंड शार्पनिंग को प्रॉपर तरीके से लॉन्च कर दिया है. अब इनका इमेज स्केलिंग एंड शार्पनिंग यूज़ करेगा 4 डायरेक्शनल स्केलिंग विथ 6 टैप फिल्टर, जिसके ज़रिए इन गेम आपको परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलने वाला है और शार्पनिंग देखने को मिलने वाली है. इसके अलावा इन्होंने इन गेम शार्पनेस स्लाइडर भी डाला है. वो शार्पनेस स्लाइडर तब आप यूज़ कर पाओगे जब आप जी फोर्स एक्सपीरियंस यूज़ करोगे. तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप नया एनवीडिया का इमेज स्केलिंग यानी NIS को कैसे इनेबल करोगे अपने जी फोर्स ग्राफिक कार्ड के अंदर. तो इसके लिए मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ. जो पहला मेथड है वो है NVIDIA कंट्रोल पैनल के थ्रू, और जो दूसरा मेथड है वो है GeForce Experience के थ्रू. तो गाइस, इसके लिए आपको अपने NVIDIA के कंट्रोल पैनल में जाना चाहे तो आप यहाँ से डबल क्लिक करके भी जा सकते हो, या उसके अलावा आप यहाँ पे सर्च में भी टाइप कर सकते हो NVIDIA कंट्रोल पैनल. इसके बाद आपको क्या करना है, मैनेज 3D सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे आपको इमेज स्केलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा. सिंपली इसको ऑन कर देना है. इसको ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे शार्पन का स्लाइडर मिलेगा. शार्पन के स्लाइडर को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जितनी आपको शार्पनेस चाहिए. उसके अलावा अगर आप चाहते हो इंडिकेटर NIS का ओवरले इंडिकेटर, तो आप इसे ऑन कर सकते हो और ना इसे ऑफ भी कर सकते हो. इसको ओके करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है. तो गाइस, अप्लाई होने के बाद अब आप देखोगे चेंज रेजोल्यूशन के अंदर आपको 5 डिफरेंट रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे आपके डेस्कटॉप मॉनिटर के रेजोल्यूशन के हिसाब से, जो मुझे 1080p गेमिंग प्रोवाइड करवाएंगे, इमेज स्केलिंग करवाएंगे, यानी अगर मैं इन रेजोल्यूशन को सेट करूंगा गेम के अंदर. अब उसके बाद क्या करना है, आपने इसे ऑन कर दिया, अब आपको सिंपली अपना गेम को ओपन कर लेना है. तो गाइस, गेम ओपन होने के बाद आपको सेटिंग के अंदर जाना है. सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले मोड को फुल स्क्रीन पर सेट करना है. देन उसके बाद आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन में जो जनरेट हुए हैं रेजोल्यूशन, उसमें से कोई भी एक रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेना है. मान लीजिए मैं ये 1600x1900 चूज़ कर लेता हूँ. देन उसके बाद अप्लाई पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखोगे मेरा गेम स्केल अप है 1080p में, लेकिन ये गेम चल रहा है रेजोल्यूशन पे 1600x900 रेजोल्यूशन पे, लेकिन ये स्केल अप होके 1080p पे चल रहा है मेरे डेस्कटॉप के मॉनिटर के रेजोल्यूशन के हिसाब से. तो इस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा FPS देखने को मिलने वाले हैं इन गेम के अंदर इमेज स्केलिंग का अगर आप यूज़ करते हो. तो इस तरीके से आप इमेज स्केलिंग बड़ी ईजिली तरीके से किसी भी GeForce के ग्राफिक कार्ड के अंदर यूज़ कर सकते हो. तो गाइस, हमारा जो दूसरा मेथड है वो है GeForce Experience के थ्रू. तो इसमें आपको कैसे इनेबल करना है इमेज स्केलिंग, उसके लिए आपको अपना GeForce Experience ओपन कर लेना है. उसके बाद आपको GeForce की सेटिंग में जाना है और यहाँ पे जनरल टैब पे क्लिक करना है. यहाँ पे आपको इमेज स्केलिंग का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा. उसके लिए आपको इनेबल एक्सपेरिमेंटल फीचर पे चेक करना है. उसके बाद आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी. जब आपकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए तो रीस्टार्ट का बटन आएगा. रीस्टार्ट पे क्लिक करके अपने GeForce को फिर से रीस्टार्ट कर लेना है. उसके बाद गाइज, आप देखोगे यहाँ पे आपका GeForce Experience में इमेज स्केलिंग शो होना शुरू हो गया है. सिंपली इसको ऑन कर लीजिए. यहाँ से इसको ऑन करने के बाद आपको यहाँ नीचे के साइड देखने को मिल जाएगा इमेज स्केलिंग इज इनेबल्ड, ऑप्टिमाइज ऑल गेम एंड एप्लीकेशन. अगर आप इसको ऑप्टिमाइज पे क्लिक करोगे, जो भी आपके गेम होंगे वो सब इस इमेज स्केलिंग के हिसाब से ऑप्टिमाइज हो जाएंगे. आपको यहाँ पे 5-4 रेजोल्यूशन देखने को मिल जाते हैं. आपके जो भी रेजोल्यूशन बेस्ट हो आप उसे रेजोल्यूशन को सेलेक्ट कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे वाला रेजोल्यूशन को सेलेक्ट कर लूँगा और शार्पनिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा जितनी मुझे चाहिए इन गेम के अंदर, और उसके बाद अपने गेम को ओपन कर लेना है. गेम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली वही सेम चीज़ करनी है. गेम की सेटिंग के अंदर जाना है, डिस्प्ले मोड को फुल स्क्रीन पे रखना है, और उसके बाद आपको रेजोल्यूशन में जाना है. और रेजोल्यूशन में आपने जो रेजोल्यूशन वहाँ पे सेलेक्ट किया था उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है. अगर आप दूसरा रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो. और यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना है. तो गाइस, जब आप अप्लाई पे क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे आपका गेम स्केल अप है 1080p पे, लेकिन चल रहा है वो उस रेजोल्यूशन पे. तो इस तरीके से आपको इन गेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलने वाला है और FPS देखने को मिलने वाला है. अगर आपको इन गेम शार्पनिंग ज़्यादा या कम करनी है तो उसके लिए आपको सिंपली Alt F3 दबाना है. तो आपको यहाँ पे इमेज स्केल शार्पनिंग का स्लाइडर देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये तभी देखने को मिलेगा जब आप GeForce Experience के थ्रू इसे इनेबल करोगे. तो आप इस तरीके से अपनी शार्पनिंग को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो इन गेम के अंदर. तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.